भाई स्टडी वीजा आजकल ना 28-38 साल के लोगों का नहीं लग रहा है, और ये छोटा सा बच्चा है 8 साल का, इसका स्टडी वीजा लग गया है। भाई साहब विश्वास नहीं हो रहा ना, मेरे को खुद को विश्वास नहीं हुआ था जब मैंने ये सुना था कि भाई इतने छोटे से बच्चे का, 8 साल के बच्चे का स्टडी वीजा लग गया है। खुद देखने के लिए मोहाली आना पड़ा है कि भाई सच है या झूठ है। आके देखा तो वाकई सच है, माइनर वीजा लगा है, और सिर्फ छोटे से बच्चे का वीजा नहीं लगा है, छोटे से बच्चे के बड़े बड़े मम्मी पापा का भी वीजा लग गया है। और भाई खुशी कितनी है ये तो चेहरों पे दिख रही है, लेकिन फिर भी एक बार पूछ लेते हैं। हाँ जी बेटा, क्या नाम है आपका? रोजदीप सिंह। रोजदीप सिंह, अच्छा ये बताओ कनाडा जा रहे हो? यस। कितनी खुशी है? बड़ी ज्यादा। बड़ी ज्यादा तैयारी वैरी सब होगी? होगी। क्या क्या तैयारियां की है? शॉपिंग की थी। शॉपिंग की थी? हाँ, मतलब शॉपिंग सबसे पहले के साथ में मम्मी गए थे ना शॉपिंग के लिए? गए। क्या बात है, यानी कि मम्मी पापा ने भी तैयारी पूरी कर ली है। हाँ जी मैम, आप मेरे को ये बताओ कि कैसी जो है आपकी ये पूरी जर्नी रही है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? एक्सपीरियंस बहुत वधिया रहा साडा, सानू बहुत वधिया गाइड किया इन्होंने। हाँ हाँ, अच्छा सच्ची बताओ मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मतलब माइनर वीजा भी लग जाता है, मैंने पहला केस देखा है अपनी आंखों से, विश्वास नहीं हो रहा है। आपको हो रहा है क्या? विश्वास सानू भी नहीं सी हो रहा जो विजिट किया आन के। हाँ। सानू हुंदल मैम ने गाइड किया। हाँ। बहुत वधिया उन्होंने सानू गाइड किया वा। जो जो उन्होंने पता कैसे चला भाई ऐसा भी, मतलब कोई माइनर वीजा है जिससे बच्चे जो है बच्चे को बाहर भेज सकते हैं, साथ में हम भी जा सकते हैं। मैं इन्हें इंस्टाग्राम पे आईडी फॉलो की। अच्छा, बड़े जबरदस्त फॉलोअर्स है मैम आपके, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह जो है फॉलोअर्स है। हाँ जी बच्चे दे डैडी जी किवें हो तुसी? बहुत वधिया जी, ठीक ठाक। ठीक ठाक, अब तो आपको बहुत अच्छा हो जाना चाहिए, बच्चे के साथ साथ कैनेडा जाने का मौका मिल रहा है। हाँ जी, हाँ जी जी, बच्चे की किस्मत तेज है जिन्हें सानू भी नाल लै चलिया जी। हाँ बिल्कुल भाई, ये बात माननी पड़ेगी कि बच्चे की जो लक है ना वो वाकई बड़ी तेज है। अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, चलो बच्चा तो खुश है। दो बार अप्लाई किया आस्ट्रेलिया का। हाँ, हाँ। वो साड़ी रिफ्यूजी लाई, उस तो बाद अही बेटे का अप्लाई किया माइनर वीजा। हाँ। इन्हां हुंदल मैडम जी को खुशी दिख रही है चेहरे के ऊपर, मतलब कितना खिलखिला के जो हंस रही है ना वो दिख रही है। वेल भाई, इसका शौक ही था कि हम तीनों साथ में ही जाएं। कुछ खतरा था कि भाई बच्चे या हस्बैंड अकेले अकेले चल जाएंगे तो कुछ गुम हो जाएंगे, ऐसा डर लग रहा था? खतरा कोई नहीं सी। हाँ। मतलब कि अलग अलग रहना, फिर भी दूर रहना बहुत औखा होता वा, जिहड़ा बच्चे दे नाल चल जाना भी हस्बैंड वाइफ असीं भी दोनों तीनों जा रहे हां। हां हां, ए नाल दी कुछ होर कोई ते हो नहीं सकदी, फिर मुंह तो मीठा करवा ही दो। मीठा ही साथ में लेके बैठे हुए हैं, ये देखिए भाई। चलिए थैंक यू सो मच, आपने इनको दिया कि नहीं दिया? मैडम जी का इनका मुंह मीठा करो जिसकी वजह से हमारा वीजा आया हुआ है। अच्छा हाँ बिल्कुल भाई, इनका तो मुंह मीठा, पहले ये मिठाई उसके लिए है जिसकी वजह से मुंह मीठा हो रहा है। बिल्कुल भाई, कांग्रेचुलेशन छोटे से, बस खा बेटा खा, आपा खाने के लिए। चलिए वेल मैम, अब बहुत सारे सवाल, मतलब ये तो था मस्ती मजाक की बात, अब मेरे से ना इतने सारे सवाल दिमाग में हैं। छोटे से बच्चे का वीज़ा लगा तो आखिर लगा कैसे, कैसे पॉसिबल है ये? मैम ये स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी है, माइनर स्टूडेंट वीज़ा, जो कि IRCC की वेबसाइट पे दी हुई है, आप इसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हो। इसमें 4 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चे का माइनर स्कूलिंग वीज़ा अप्लाई होता है। बच्चे छोटे हैं। हाँ। ये अपनी रख रखाव, अपना खुद का देख रेख वहाँ नहीं कर सकते, तो इस वजह से इनके साथ इनके पेरेंट्स एज गार्डियन साथ में जा सकते हैं। हाँ मतलब पेरेंट्स साथ में जा ही रहे हैं, वो तो मैंने दिखाई दिया। वैसे अगर मान के चलो, चल ये तो अकेला बेबी है आपका, अगर किसी के बहन भाई साथ में हो, सिबलिंग्स हो, तो वो क्या करे? अब मम्मी पापा बच्चे के साथ जो है अब्रॉड जाएं या यहाँ वाले बच्चे के साथ हैं? मैम इसमें मोस्टली जितने भी हमने वीज़ाज अब तक किए हैं उसमें सिस्टर ब्रदर्स या किसी के छोटे बहन भाई सिबलिंग्स जो है उनके भी साथ में एज विजिटर वीज़ा साथ में किए हैं, तो साथ ही चले जाते हैं। साथ ही चले जाते हैं। अब तक जितने सारे किए, मतलब कितने सारे कर चुके हो अभी तक? बहुत और भी किए हैं। 2017 से कर रहे हैं। हाँ हाँ। और कंसल्टेंसी हमारी 19 से 20 साल पुरानी कंसल्टेंसी है। और ये चीज़ बिल्कुल मायने रखती है, क्योंकि आजकल ना फेक लोग बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं कि हम आपको बाहर भेज दूँगी, इतने बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली में उनके पास ग्राउंड में क्या होता है, कुछ नहीं। सो आपके पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ ऐसा है?
आप हमारी वेबसाइट से भी और हमारे पास अभी भी यहाँ पे भी वीजा रिकॉर्ड देख सकते हो। ये बल्कि आपके हरियाणा का ही स्टूडेंट है ये। अच्छा, ये हरियाणा का, ये 11th क्लास में बच्चा गया है और ये इसके पेरेंट्स इसके साथ ही गए हैं। ठीक है, हमारे पास ऐसे ही ये बच्चा जो है 10th क्लास में गया है, पेरेंट्स साथ में गए हैं। हमारे पास ये अनलिमिटेड रिकॉर्ड है, अनलिमिटेड। किसी को भी अगर कुछ और दिखा, और को अगर आके देखना हो तो वो यहाँ आके चेक कर सकता है, वीजा चेक कर सकता है। हमारे पास ऐसे ही मैक्सिमम जितने भी बच्चे, ये छोटे बच्चे हैं, इनके सारे सब बच्चों के पेरेंट्स के साथ ही ये जा रहे हैं जितने भी अच्छा, बच्चे। ये तो बात हुई मैम कि जैसे अब ये बोल रहे थे सर कि मैंने ना दो बार मेरा वीजा ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका था और तीसरी बार मैं जाकर के जो है मेरी फैमिली की बात मनी है अब्रॉड जाने की। ऐसा बहुत सारे केसेस होते हैं, कई कई तो ऐसे भी होते हैं भाई 4 से 5 बार भी रिजेक्शन उनका आया होता है। सो ऐसे केसेस में जो है माइनर वीजा पे बाहर जा सकते हैं? बिल्कुल जी, मोस्टली केसेस हमारे पास रिजेक्शन के बाद ही आते हैं। अच्छा, मोस्टली लोगों की रिजेक्शन ऑलरेडी होती है वीजा की दो तीन बार। और अभी रिसेंट हमारे पास ऐसी भी फैमिलीज है जिनके 15 से 16 बार रिफ्यूजल्स थी हमारे पास आने से पहले। 15 से 16 बार, मतलब 5 से भी 3 गुना ज्यादा। जी बिल्कुल, तो उनका भी बच्चों के जरिए अपना सपना जो है साकार हुआ है, क्योंकि बच्चा उनका जो है 10th क्लास में जा रहा है और बच्चे के साथ ही वो एज गार्डियन साथ में जा रहे हैं। अच्छा, बच्चे की अगर बात करें, देखिए ऐसे कॉलेज में बहुत सारे बच्चों को मैंने जाते हुए देखा है, लेकिन यहाँ आप बात स्कूलिंग वाले बच्चों की कर रहे हैं, तो किस एज से जो है शुरू हो जाता है कि भाई किस एज से किस एज तक का बच्चा जा सकता है? इसमें 4 साल से लेकर 17 साल तक का बच्चा जो है माइनर कैटेगरी में आता है 18 साल तक का। पर हम 4 से 17 साल तक के बच्चे को जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर या UKG से कोई भी बच्चा जो है 12th स्टैंडर्ड तक का बच्चा इसमें जा सकता है। अच्छा, उसके अलावा मतलब भाई मेरे को तो, मैंने बड़े लोगों को तो जाते देखा है, तो उनका तो बड़ा ये होता है कि आइल्स क्लियर करनी पड़ेगी, ये चाहिए वो चाहिए। छोटे बच्चों के केसेस में माइनर वीजा में भी कुछ ऐसा ही होता है? माइनर वीजा की सबसे बेस्ट बात यही है, इसमें ना तो कोई आइल्स की रिक्वायरमेंट्स है, ना ही कोई लैंग्वेज एबिलिटी का इनसे कोई टेस्ट लिया जा रहा है। अच्छा। ना ही कोई किसी तरह की इंटरव्यू हो रही है और ना ही कोई बोर्ड रिक्वायर्ड है कि ये किसी स्पेसिफिक बोर्ड का बच्चा जा सकता है। इसमें रीजनल बोर्ड्स के बच्चे जैसे पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, हर बोर्ड का बच्चा जो है जा सकता है। अच्छा, अब ये एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाह रही थी कि आप लोगों से कोई इंटरव्यू हुआ है, बच्चे से कोई इंटरव्यू हुआ है? मैं आपसे कंफर्म करना चाह रही हूं, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, ना बच्चे का भी नहीं ना साडा भी नहीं, मतलब कुछ भी। आपको कितना इजी या मुश्किल ये रहा है अभी तो? ना कोई इंटरव्यू नहीं है, बस एक डॉक्यूमेंट ही देते इन्हां नूं ते साडा इन्हां ने वीजा अप्लाई। अच्छा, बच्चे की क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत उन लोगों? बच्चे दे स्कूल दा सर्टिफिकेट, सेकंड क्लास दा, इहदा जो बच्चे के मार्कशीट होती है भाई सेकंड थर्ड क्लास की, तो कॉमन सी चीज है, हर क्लास जब भी पास आउट करते तो वही वही दिया इनको। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी स्पेशल नहीं है? कुछ नहीं। क्या बात है भाई, ये बहुत बड़ी चीज है कि मतलब ये देखिए कि ना कोई इंटरव्यू, ना कोई लैंग्वेज के लिए टेस्ट के भाई आपको ये इंग्लिश आनी जरूरी है, बैंड्स वगैरह वो चक्कर तो भाई साहब आप छोड़ ही दो। क्यों? क्योंकि ये छोटा सा बच्चा है, वहीं जाके सीखेगा जो सीखेगा। अच्छा मैम, ओवरऑल अगर बात करें कि आपसे, क्योंकि अब ये वीडियो देख के ना बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अब याद आएंगे अपने बच्चे की, भाई हमें भी अपने बच्चे को विदेश भेजना है, तो कौन सी कंट्री में जो है आप बच्चों को माइनर वीजा के लिए रेडी करते हैं, भेजते हैं? ये मेनली कनाडा में ही जा रहे हैं बच्चे। ठीक है, कनाडा में ही माइनर स्कूलिंग वीज़ा का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सक्सेस रेट है। हम हर कंट्री करते हैं लेकिन कनाडा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वीज़ा सक्सेस रेट कनाडा का है। और कनाडा का एक सबसे अच्छी चीज़ मेरे ख्याल से ये भी रहती है कि इंडियन कल्चर से काफ़ी जो है मेलजोल रहता है, क्योंकि मोस्टली यहीं के लोग जो है कनाडा में है, सो थोड़ा ईजी भी रहता है शायद वहाँ सेटल डाउन। बिल्कुल जी, क्योंकि मेन जितनी भी फैमिलीज यहाँ से जाती हैं उनको सबसे ज़्यादा यही देखना होता है कि उनका कोई रिश्तेदार या कोई रिलेटिव या दूर दराज भी चलो कोई हो जो उनको वहाँ पे भी हर तरह की हेल्प कर सके। बट इसके अलावा हमारा खुद का ऑफिस वहाँ पे है, इनको जो आगे की सर्विसेज है वो हमारे उस ऑफिस से इनको प्रोवाइड की जाती है। आगे इनको वर्क परमिट या परमानेंट रेजिडेंसी किसी भी तरह की हेल्प के लिए आगे हमारा, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई हमने वीजा लगवा दिया, पासपोर्ट आपको पकड़ा दिया, अब आप अपने घर हम अपने घर। इनके स्कूल में जाने तक, अभी यहाँ से जाने से लेकर स्कूल में बच्चे के जाने तक, इनके रहन सहन से लेकर इनका आगे वर्क परमिट और PR तक हम हर तरह की असिस्टेंट इनको प्रोवाइड करते हैं। क्या बात है। सो भाई चीज़ें, जितने सवाल मेरे दिमाग में थे वो तो मैंने सारे पूछ लिए। डेफिनेटली आपके दिमाग में कुछ ना कुछ सवाल ऐसे होंगे जो शायद मैं पूछना भूल गई होंगे। सो मैम, आपसे अगर आप लोगों से कॉन्टेक्ट करना है तो किस तरीके से किया जा सकता है?
मैम हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट्स पे सब नंबर्स दिए हुए हैं, आप हमें मेल के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। आप किस नाम से जो है आप अवेलेबल? ब्रिलियंट कंसल्टेंट के नाम से, ब्रिलियंट कंसल्टेंसी इंडिया में। यहाँ हमारी 20 ईयर्स पुरानी ये कंसल्टेंसी है, 20 साल पुरानी। कोई ब्रांचेस भी हैं हमारी इंडिया में? कोई ब्रांचेस नहीं है, ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड, IRCC से हम सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है, ये कंसल्टेंसी 20 ईयर से चल रही है और हमारा कोई इसकी कोई आगे ब्रांचेस नहीं है इंडिया में। हमारी जो ब्रांचेस है हमारी कनाडा में एडमिंटन में हमारा ऑफिस है और ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में हमारा ऑफिस है। ठीक है, यानी कि उन लोगों को हेल्प करने के लिए बाहर अब्रोड के अंदर है, इंडिया के अंदर आपके कोई ब्रांच नहीं है? इंडिया में आपको हमें, हमारे पास यहाँ पे जो क्लाइंट माइनर स्कूलिंग वीज़ा का है, हमारे पास गुजरात से लेकर क्लाइंट है, गुजरात से क्लाइंट है, दिल्ली का इस टाइम बहुत ज़्यादा क्लाइंट है, मोस्टली लोग दिल्ली और गुजरात इन एरियाज़ के हैं। ये लोग हमें, हमारे को ऑनलाइन भी अप्रोच कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अगर कोई हमें यहाँ विजिट नहीं कर सकता तो वो हमें ऑनलाइन भी अप्रोच कर सकता है। बिल्कुल भाई, अगर आपको ऑनलाइन अप्रोच करना है तो मैम ने बता दिया है कि भाई ब्रिलियंट कंसल्टेंट्स के नाम से जो है ये फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या ऑनलाइन वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां पर आपको इनके सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। और उसके अलावा फिर भी थोड़ा सा शक रह गया, खुद जो है आकर डायरेक्ट मिलना चाह रहे हैं या फोन पर बात करना चाह रहे हैं, तो भाई एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर जो है नीचे स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या इस एड्रेस पर पहुंच के अपने जितने डाउट्स है ना उतने डाउट्स पूरे कर सकते हैं। और डाउट्स पूरे करने के बाद फिर जो है आपका भी जल्दी से ऐसा ही कुछ जो है एक वीजा जो है लगने वाला है, पासपोर्ट जो है आपको भी कुछ इसी तरीके से चमचमाते हुए पासपोर्ट मिलने वाले हैं। सो भाई ये वीडियो यहीं तक, हाँ सिलसिला आगे भी लगातार यूं ही जारी रहेगा, कुछ यूं ही नई चीजें आपके लिए लेकर के आती रहूंगी, बस जुड़े रहिए सिटी विग न्यूज के साथ। नमस्कार।